नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। 83 जो फिल्म थी जिसका बजट बहुत ही हाई थी, जिसकी अपेक्षाएं बहुत हाई थी, जिसकी आशाएं बहुत हाई थी, बट वो अपेक्षा और आशाएं पे खरी नहीं उतरी। अब इसके पीछे क्या है कारण, क्योंकि इसके अंदर बड़े सितारे थे जैसे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, हार्डी संधु, पर ये फिल्म लेवल नहीं मैच कर पाई। इसके पीछे क्या है कारण, हम जानेंगे सिनेमा प्रेमियों से। चलिए, ये सब जानती है पब्लिक है। हाँ, 83 फिल्म थी, अपेक्षा के मुताबिक जो भी उसकी उम्मीदें थी उसमें वो खरी नहीं उतरी, तो आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या कमियाँ थी? देखो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग 83 के लिए, बहुत सोचा था कि बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, धोनी से ज़्यादा लेवल अप होगा, बट उतना लेवल नहीं हो पाया, धोनी से उल्टा नीचे हो गया लप उसका। रणवीर सिंह का मैं फ़ैन हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, बट वैसा तो मैं पूछना चाहूँगा आपको कि जो 83 फिल्म थी वो अपेक्षा के मुताबिक जो थी वो इतने कर नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है वो फिल्म इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई? उसमें पहली बात तो मेरे को ना रणवीर सिंह का लुक इतना कुछ खास नहीं लगा, थोड़ा दांत वात उसका बाहर दिखाया, वो ओरिजिनली अच्छा लगता है, पर उस वो जो उसमें लुक दिया है फिल्म में वो अच्छा नहीं है, और प्लस वो पूरी क्रिकेट पे बेस्ड है तो मेरे को तो नहीं इतनी कुछ खास पता नहीं। उसके बराबरी में अगर देखो तो MS धोनी तो भी फिर भी थोड़ी अच्छी है। ओके, और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि ये मूवी देखनी चाहिए? जबरदस्ती फालतू पैसा वेस्ट क्यों करने का, मत देखो भाई, मैं बता रही हूँ कि अच्छा नहीं है, और सबका अपना अपना पर्सनल रिव्यू होता है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो अपना पैसा वेस्ट किया देख के, तो आप तो मत ही वेस्ट करो। मैं तो बोलती हूँ देखना है तो भाई आप अपने फ़ोन में देख लो किसी में भी, अगर आपको देखने का इतना शौक है तो, बाकी मैं तो बोलूंगी नहीं। 83 फिल्म थी, उसकी उम्मीदें अपेक्षाएं बहुत हाई थी, बट वो बॉक्स ऑफिस में उतना कलेक्शन नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या कमियां थी, क्यों लोग नहीं देख रहे उसे? कमियां एक्चुअली और कुछ नया एंटरटेनिंग नहीं लग रहा उसमें, सिर्फ एक वो 83 का बताया है कि ऐसा हुआ वैसा, वो तो सबको पता है, बट स्टोरी को थोड़ा सा मज़ेदार करना चाहिए था, जिसमें थोड़ा को लोगों को मजा आए देख के, कि कोई नया कोई एकदम थ्रिल आया, कोई चीज़ एकदम से हुआ तो मजा आता था सबको। और कोई स्पोर्ट्स की जो फिल्म थी आपको जो लगा कि बहुत ही अच्छा था? MS धोनी वॉज वेरी गुड मूवी। तो मतलब आपको लगा था कि MS धोनी जैसा कोई मसाला या ड्रामा कुछ डाल देते, कुछ ना कुछ होना तो लोगों को वो? यस यस यस, बिल्कुल। नहीं तो हमको पता ही है मैच के बारे में, तो पूरा हमने देखा ही है वैसे भी। यस यस।